दुनिया मांगे खाला की लड़की, हम मांगे फुप्पी की। वाह 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 वाह, कितना संस्कार भरा हुआ है। बेचारी कितनी संस्कारी है, शर्मा रही है कि बचपन में जिसका खतना होते हुए देखा वही अब मुझे मेरा मतलब सुलाएगा। टपा टप टपा टप। और इसे देखो कितना जोश से वीडियो बना रहा है, जैसे कि अपनी बहन से शादी करके कोई महान काम कर रहा है। वाह क्या रिवाज है। अरे दादा। नहीं दोस्तों इतना ही नहीं है, आप लोग जरा इस वीडियो को भी देखिए। जी ये मामू की बेटियां। कि मामू की बेटियां तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। बात सही है, इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया। मेरा और इसका 14-15 साल का एज डिफरेंट है। अच्छा। नहीं देख लिए, जिसको बचपन से अपने गोदी में खिलाओ, चॉकलेट बिस्कुट मंगा के खिलाओ, फिर उसी बेटी समान लड़की से शादी कर लो। कितना खूबसूरत रिवाज है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। तो मेरे इस वीडियो पे जितने भी लोग इतने देर तक रुके उन सबको मैं अब दूध पिलाना चाहूंगा। नहीं। वो भी फ्री का, एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अमूल दूध तो सब पीते हैं मेरी जान, मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना है। कर दिया ना फ्री के दूध का जुगाड़, बोला था ना। किस किस को इनका जल्दी से जाइए। अब इतने देर रुक गए तो एक मौलाना का बात भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। बीवी का दूध पी सकते हैं बिल्कुल जनाब। क्या बोला तूने? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी। बकरी और औरत एक है? नहीं चला, इस मौलाना के हिसाब से बकरी और औरत एक बराबर है। कुछ भी, बीवी का दूध पी सकते हैं बिल्कुल जनाब, बल्कि रखा गए दोस्तों को भी पिलाया। और बीवी का दूध खुद भी पियो दोस्तों को पिलाओ, ये कौन सा रिवाज है? हमारे में तो है ही नहीं। लेकिन तुम लोगों को घबराने का नहीं है, अपने आसपास या दूसरे गांव में इन लोगों से दोस्ती करो और इनके घर जाओ और दूध पियो।